कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं होने पर कहा कि सभी विधायकों ने एक राय होकर दिल्ली हाई कमान को फैसला करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष का काम मिला है और पूरी ईमानदारी के साथ हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ ही आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा यह पार्टी का फैसला है, जो भी विधायक नेता प्रतिपक्ष होगा इसका फैसला दिल्ली हाई कमान करेगा। देखिए एशियन भारत के संवाददाता के साथ विक्रांत भूरिया की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश यूरो कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया। हम बात करते हैं, विधायक दल की बैठक थी लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन हो इस पर फैसला अब तक नहीं हुआ है। सर, विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष कौन हो इस पर फैसला अब तक नहीं हो पाया है। आज ही तो बैठक हुई है और आज बैठक हुई है, अब चर्चा शुरू हुई है और निश्चित तौर पर सारे विधायकों का ये मानना था कि हम सबका एक मत था कि जो हाईकमान निर्णय लेगा उसके साथ ताकत से हम खड़े हैं और ये हाईकमान पर एक सूत्र में एक ही आवाज में सबने ये पारित करा है कि जो हाईकमान पर सौंपा है कि जिसको आगे करेंगे पूरी ताकत से उसके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जबरदस्त करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में जबरदस्त फैली हुई है, अत्याचार जबरदस्त हो रहे हैं, महंगाई जबरदस्त है, भ्रष्टाचार जबरदस्त हो रहा है, उसको लेकर जो आवाज उठाना चाहिए पूरे 66 के 66 विधायक एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आदिवासी विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग बीच में उठी थी, क्या लगता है आपको कि आदिवासी वर्ग से ही कोई नेता प्रतिपक्ष हो? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप किसी को भी बनाइए, मुख्य मुद्दा एक जन के बनने या नहीं बनने से लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी। लड़ाई का मुख्य मुद्दा है कि आपके पूरे विधायकों को एक साथ सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ना पड़ेगी और हम इसी के साथ जो हाईकमान निर्णय लेगा जिसका भी नाम आएगा उसके ताकत से उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और जो जनता की अपेक्षा है एक विपक्ष के तौर से हमसे उनको पूरा करने के लिए और उन पर खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। नई सरकार के नए मुखिया ने एक आदेश जारी कर दिया है, निर्णय लिया है कि जो खुले में मांस अंडे वगैरह बिकते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लाउडस्पीकर को लेकर भी फैसले लिए गए हैं, इस रूप में इसको देखते हैं आप? देखिए, मैं अगर मुख्यमंत्री जी जो उनने वादे करे थे उन पर कुछ बोलते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। जो वादे कर आप सत्ता में आए हैं उनकी डेडलाइन देनी थी उनको कि इतनी तारीख तक हम ये वादा पूरा कर देंगे, इतनी तारीख तक हम ये वादा पूरा कर देंगे, इतनी तारीख तक 10 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, इतनी तारीख तक पीएससी की भर्ती के परीक्षा की दिनांक निकल आएगी, इतनी तारीख तक पटवारी जो कि नियुक्तियां अभी लंबित पड़ी हुई है, कांस्टेबल की नियुक्तियां लंबित पड़ी हुई है, उनको कब पूरा करेंगे। और यही मुख्य मुद्दे हैं और इसको लेकर अगर वो आगे बात रखेंगे तो उस चीज को लेकर हम जनता भी उस चीज का सराहना करेगी, हम भी सराहना करेंगे। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाई कमान पर फैसला विधायकों ने छोड़ दिया है, यानी एक मत होकर हाई कमान के ऊपर यह फैसला छोड़ दिया है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाई है, जबकि 18 दिसंबर से अब विधानसभा का सत्र यहाँ से शुरू होने वाला है। कैमरामैन गौरव झा के साथ आदित्य मुमताज, एशियन भारत, भोपाल।